हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ आलू और सूजी की मसालेदार खस्ता पूड़ी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूड़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप बारीक सूजी लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंड कर लें। अब हम आधा कप गर्म पानी से सूजी को भिगोएंगे। जिस कप से मैंने सूजी लिया था उसी कप से नाप कर मैंने पानी को गर्म किया है। अब हम दो बॉयल आलू लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे। हाथ से मैश करने से आलू में गुठलियाँ आ जाएंगी और पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। आलू को कद्दूकस करने पर ये आधा कप आलू है। सूजी, आलू और पानी की मात्रा हमें एक बराबर रखनी है, किसी को भी हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। सूजी अच्छी तरह से फूल गया है, अब हम इसमें आधा कप आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने एक चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी लिया है, मैंने पहले से ही मेथी को रोस्ट करके रख लिया था। आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच अजवाइन, इसे हम हाथों से क्रश करके लेंगे जिससे इसका छिलका निकल जाए और इसका फ्लेवर और अच्छा आए। 1/4 चम्मच हल्दी, इससे पूड़ी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार और ढेर सारी धनिया की पत्ती। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसमें आटा डालेंगे, जिसके लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे और गूंथेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हम इसे गूंथेंगे। अगर आपको आटा और लगे तो आप और ले सकते हैं, ये आपके आलू के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इसमें एक कप आटा लगा है, आटा गूंथ गया है। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे फिर से गूंथ कर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम हाथ में तेल लगाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और इसकी पूड़ियां बेलेंगे। मैंने पूड़ियों को बिना आटा लगाए बेला है। अगर आपकी पूड़ियां नहीं बेल रही हैं तो आप इसमें आटा लगा सकते हैं। सभी पूड़ियां मैंने तैयार कर ली हैं, अब इसे हम तल लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही तेल गरम करके रखा था। अब हम इसमें एक एक करके पूड़ियां डालेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए पूड़ी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है, ये बेहद ही क्रिस्पी और करारी पूड़ी होती है। ये पूड़ी सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे अचार के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।